Dear students, myself Asif Wasim, an assistant teacher in the Malegaon High School and Junior College. In this lesson, we will see arrangement in leaves. We will also see shapes of leaves, and in the last, we will see what is the meaning of venation. So, we will start with arrangement in leaves. Arrangement in leaves है ना, तो पत्तियों की जो अरेंजमेंट है, तरतीब है, वो आप देखो, जिसकी मदद से हम लोग जो है प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है, हम लोग देखेंगे तीन तरह का। ओके, फर्स्ट वन अल्टरनेट अरेंजमेंट, सेकंड वन इज अपोजिट अरेंजमेंट एंड थर्ड वन इज वर्ल्ड अरेंजमेंट। अब अल्टरनेट अरेंजमेंट में क्या होता है कि दिस वन इज स्टेम, और अल्टरनेट अरेंजमेंट में वन नोड से वन लीफ निकलती है। वन नोड कितनी लीफ आएगी? वन लीफ। ठीक, जैसे यहाँ मैं फिगर बनाता हूँ, दिस इज स्टेम एंड दीज आर दी नोड्स। पत्तियाँ कहाँ से निकलती हैं? नोड से निकलती हैं। तो ये वाला अरेंजमेंट, एक नोड से एक लीफ निकलेगी, दिस अरेंजमेंट के लाइक दिस, दिस वन, और दूसरी जो है वो इस साइड से निकलेगी, फ्रॉम दिस साइड, अदर साइड, दिस वन, फ्रॉम इस तरह से। तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अल्टरनेट अरेंजमेंट। एक पत्ती इधर से निकलेगी तो दूसरी पत्ती इस तरफ से, एक पत्ती इस तरफ से तो दूसरी पत्ती इस तरफ से निकलेगी। तो ये अरेंजमेंट क्यों होता है? टू गेट जो है प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द फूड, के फोटोसिंथेसिस अच्छे ढंग से हो, रोशनी जो है अच्छी मिले, तो वो अरेंजमेंट जो है लीव्स में हमें दिखता है। तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अल्टरनेट अरेंजमेंट? दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अल्टरनेट। फ्रॉम वन नोड वन लीफ विल ओरिजिनेट, वन लीफ जो है विल अराइज फ्रॉम दिस साइड, अनदर नोड जो है विल अराइज फ्रॉम अदर साइड। अपोजिट अरेंजमेंट जो है वो दो तरह का होगा, अपोजिट अरेंजमेंट में क्या होगा कि वन नोड से कितनी पत्तियां निकलना है? टू लीव्स। अब अपोजिट अरेंजमेंट कुछ इस तरह का होता है कि दिस वन इज स्टेम, दीज आर दी नोड्स। अब एक नोड से दो पत्तियाँ निकलना है तो कुछ इस तरह से, दिस, ओके, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अपोजिट अरेंजमेंट। तो ये अरेंजमेंट क्यों है? ताकि जो है प्रॉपर जो है सनलाइट हासिल हो सके। अब अपोजिट अरेंजमेंट एक और तरह का हो सकता है, कुछ इस तरह से, है ना, दिस वन इज स्टेम, दीज आर दी नोड्स, तो इसको ये जॉइंट होते हैं नोड्स। एक अपोजिट अरेंजमेंट कैसा होगा? ओके, देखो, अब दो पत्तियां कुछ इस तरह से, अब जो दूसरी जोड़ी है वो कुछ ऐसे निकली है, इसके परपेंडिकुलर, इस तरह से, समझ में आ रहा है कि एक पत्ती इस तरह, दो पेयर जो है, ए पेयर ऑफ लीव्स ऐसे हैं तो दूसरी पेयर ऑफ लीव्स जो उसके परपेंडिकुलर है, है ना, फिर उसके बाद जो है थर्ड पेयर क्या रहेगी? इसके परपेंडिकुलर, यानी जो
पेयर ऑफ लीव्स है उसके दरमियान जो है कितने एंगल का जाविया बनेगा, 90 डिग्री का। कितने एंगल का, कितने डिग्री का जो है एंगल बनेगा, 90 डिग्री का जो है। ठीक है कि एक लीव्स की एक पेयर ऐसे है तो दूसरी पेयर उसके परपेंडिकुलर ऐसे रहेगी, ठीक है। और अगर थर्ड पेयर फिर कैसे रहना है, इस तरह से परपेंडिकुलर, फिर इस तरह से परपेंडिकुलर, ओके। तो यहाँ पर अपोजिट अरेंजमेंट दो तरह का होगा, एक इस तरह से और एक इस तरह से। तो ये वाला अरेंजमेंट जिसमें जो है अ पेयर ऑफ लीव्स जो है वन अबाउट द अदर है, एक के ऊपर एक है, तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड, सुपर इम्पोज्ड। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सुपर इम्पोज्ड। अब ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है, डिकसेट अरेंजमेंट। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड डिकसेट अरेंजमेंट। डू यू अंडरस्टैंड कि यहाँ भी जो है एक नोड से दो लीव्स निकलना है, लेकिन ये जो लीव्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, एक दूसरे के उमूद होगी। अगर दो पत्तियाँ ऐसी हैं तो उसके ऊपर वाली इस तरह से होगी, इसके ऊपर वाली इस तरह से होगी, ठीक है। अगर ये ऐसे हैं दो लीव्स तो ऊपर वाली इसके परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पर, यहाँ जो है कितने एंगल का, डिग्री का जो एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। अब इसके ऊपर वाली कैसे निकलेगी, ये ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे, यानी ये पत्तियाँ जो हैं इस तरह से निकलेगी, ठीक है। ये ऐसे बनेगा तो इसके परपेंडिकुलर इस तरह से, इस तो इसको कहते हैं डिकसेट अरेंजमेंट। अपोजिट अरेंजमेंट दो तरह का, सुपर इम्पोज्ड और डिकसेट अरेंजमेंट। अ पेयर ऑफ लीव्स ये वन अबाउट द अदर, एक दूसरे के ऊपर होते हैं। इन दिस अ पेयर ऑफ लीव्स जो हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वर्ल्ड अरेंजमेंट, वर्ल्ड अरेंजमेंट सिंपल है कि एक नोड से, वन नोड से कितनी लीव्स निकलेगी, मेनी लीव्स, बहुत सारी जो है लीव्स निकलेगी, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड वर्ल्ड अरेंजमेंट। जैसे यहाँ पर मैं फिगर, दिस वन इज स्टेम, ठीक है, दिस इज नोड, तो एक नोड से कई पत्तियाँ निकलेगी, तो दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड, इज कॉल्ड अ वर्ल्ड अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम लोग देखते हैं लीव्स की जो है शेप, शेप ऑफ लीव्स, पत्तियों की जो शेप है, जो शक्ल है, तो जो हमारी किताब में है उतना ही देखेंगे हम लोग। फर्स्ट शेप जो दी गई है राउंड शेप है ना, उसको और क्या कहेंगे, ओबोवेट। तो ओबोवेट कैसी शेप होती है, नाउ लुक एट हियर दिस वन, है ना, दिस शेप इज कॉल्ड राउंड शेप। ये एग जैसी, एग लाइक एंड नैरो, पतली होती है एट बेस, एट बेस, दिस शेप इज कॉल्ड राउंड या ओबोवेट शेप। उसके बाद जो है सेकंड जो आप देखोगे, पालमेट, पालमेट, पालमेट यानी हैंड लाइक, कैसी, हैंड लाइक, हैंड लाइक कैसे, कि दिस वन ये पिटियोल है, इस तरह से ये मिडरिब है, ठीक है, और ये, ये जो लीव्स हैं जो के हाथ जैसी, हैंड लाइक, इसको कहते हैं पालमेट। उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड जो शेप है, लेंसियोलेट। अब लेंसियोलेट किसको बोलते हैं, टैपरिंग एट बोथ एंड्स, है ना,
पतला होना दोनों किनारों पर, टेपरिंग एट बोथ एंड्स, बोथ एंड्स पर टेपर इस तरह से, दिस लीफ इट टेपर्स एट बोथ एंड्स, बराबर दोनों एंड्स पर नैरो हो रही, तो दिस लीफ इज कॉल्ड, दिस लीफ इज कॉल्ड लेंसियोलेट। उसके बाद फोर्थ वन देखेंगे, तो फोर्थ वन है लीनियर, जो शेप है लीनियर शेप। अब लीनियर शेप यानी जो लीफ मार्जिन्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। लीफ मार्जिन्स जो है, मैं शक्ल बना देता हूँ लीनियर की, दिस वन इज मिडरिप, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ जो है आप लीफ मार्जिन्स देखो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो लीनियर में लीफ जो मार्जिन्स होते हैं, लीफ मार्जिन्स वो कैसे होते हैं, दे आर पैरेलल, एक दूसरे के मुतवाजी, और ये लीफ जो है इलोंगेट, बहुत लंबी होती है। तो हम लोग अभी यहीं रुकते हैं। वी हैव सीन जो है अरेंजमेंट इन द लीव्स, देर आर थ्री अरेंजमेंट, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। इन अरेंजमेंट दिस वन इज अल्टरनेट, अपोजिट में दो तरह का, सुपर इम्पोज डिकसेट, अपोजिट में एक नोड से दो लीव्स निकलेगी, अगर ये पेयर ऑफ लीव्स वन अबव द अदर है तो इसको सुपर इम्पोज बोलेंगे, अगर पेयर ऑफ लीव्स ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो अरेंजमेंट डिकसेट कहलाएगा। और वर्ल्ड अरेंजमेंट यानी एक नोड से कई जो है लीव्स निकलती है। शेप ऑफ लीव्स राउंड शेप, पाल्मेट शेप, लेंसियोलेट है ना, और लीनियर, ठीक है। वी विल स्टॉप हियर, इन द नेक्स्ट लेसन वी विल सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विनेशन।